बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एलईडी टीवी स्क्रीन के साथ इस तरह का प्रॉब्लम उस वक्त पेश आता है जब एलईडी गिर जाती है या उसे कोई पत्थर वगैरह मार दिया जाता है, तो उस वक्त इस तरह के धब्बे और इस तरह के निशानात ज़ाहर होने लगते हैं। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, और अगर रिपेयर कर सकते हैं तो इस पर कितना खर्चा आता है, ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी एलईडी का पैनल हो उसके बैक साइड पे या साइडों पे इस तरह की लाइट्स लगी होती हैं जो स्क्रीन को रोशन करती हैं, और स्क्रीन के सेंटर में इस तरह का वाइट बोर्ड होता है जिसकी वजह से रोशनी बैलेंस रहती है, और फिर सबसे फ्रंट में इस तरह का पैनल लगा होता है जिस पर हम तस्वीर वगैरह देखते हैं। तो जब एलईडी स्क्रीन को चोट लगती है तो इसी पैनल को चोट लगती है और पीछे बैक लाइट्स को या वाइट बोर्ड को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो अब बात करें कि इस तरह के पैनल की रिपेयरिंग हो सकती है या नहीं, तो सिंपल लफ्जों में जवाब है कि इस पैनल की रिपेयरिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई कहे कि हम इसकी रिपेयरिंग करते हैं, तो दोस्तों वो इसकी रिपेयरिंग नहीं करते बल्कि फ्रंट पैनल पहले वाला निकाल देते हैं और उसकी जगह सेम इसी तरह का पैनल रखते हैं, और उसका खर्चा सेम टू सेम उतना ही आता है जितने में नई स्क्रीन आ जाती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में इसकी रिपेयरिंग नहीं होती, या तो स्क्रीन चेंज होती है या फिर एलईडी ही चेंज होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।